तो Amazon India और Flipkart के सेल्स इवेंट मींस आने वाले फेस्टिवल सेल्स इवेंट जो कि 26 सितंबर या 27 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं इंडिया में, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। अब CAIT के साथ साथ मींस कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व्यापार संगठन के साथ ही साथ AIMRA ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है, गुहार लगाई है कि आप तत्काल प्रभाव से जो आने वाला सेल्स इवेंट है Amazon और Flipkart का वो सस्पेंड कर दें या बंद कर दें। AIMRA का मतलब है ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन। अब चूंकि मोबाइल रिटेल एसोसिएशन के पास भी लाखों लोगों का संगठन है, ऑलरेडी CAIT ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिख करके, लेटर लिख के Amazon और Flipkart के सेल्स इवेंट को बंद करने की मांग रखी है, तो उधर से 9 करोड़ से ज्यादा व्यापारी जो CAIT में इनरोल हैं और इधर AIMRA के लाखों मोबाइल सेलर्स, ये सारे अब एक हो गए हैं और सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं कि आने वाला सेल्स इवेंट आप बंद कर दीजिए। मोबाइल रिटेल एसोसिएशन के आने के पीछे का लॉजिक ये रहा है, इन्होंने थोड़ा लेट किया इस कॉल को ज्वाइन करने में, बट अभी ज्वाइन कर चुके हैं, सस्पेंशन की मांग ये भी उठा रहे हैं, वो इसलिए कि मोबाइल एक ऐसी कैटेगरी है, स्मार्टफोन एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे ई कॉमर्स कंपनीज को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो ये कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जहां पे एक नॉर्मल सेलर को बिल्कुल ही विजिबिलिटी नहीं मिलती है, या यूं कहें नॉर्मल सेलर वो प्लेटफॉर्म पे रह ही नहीं सकता, ना तो वो इन कंपनीज के जो एफिलिएटेड पार्टनर हैं उनके प्राइस को कंपटीशन दे पाएगा और ना ही वो सेल कर पाएगा। तो इसीलिए मोबाइल रिटेल एसोसिएशन भी इस मांग में आगे आ गया है कि इनके डील को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, CAIT, चूंकि खुद CAIT ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है और खुद खंडेलवाल जी BJP MP हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वो खुद BJP में हैं और डायरेक्टली उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और पीयूष गोयल मींस कॉमर्स मिनिस्टर से बात हो रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये बात मालूम है कि Amazon और Flipkart इंडिया में आखिर कर क्या रहे हैं, क्या ये मार्केट प्लेसेस स्मार्ट सेलर्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में आए थे? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गवर्नमेंट को भी मालूम चल चुका है, क्योंकि जो CCI की जांच है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच, वो तो खुद गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने ही की है, कोई प्राइवेट कंपनी ने थोड़ी करवाई है। तो जब खुद गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने ही इन्वेस्टिगेशन किया है, 1000 से ज़्यादा पेजेस की रिपोर्ट बनी है, तो गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, उसको सब मालूम है, लेकिन क्या एक्शन होगा ये समय बताएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हायर अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहे हैं और इसका क्या हल निकलेगा। ये बात हमको आप सबको मालूम है, आप किसी Amazon और Flipkart सेलर के पास जाके पूछ लीजिए कि क्या आप यहाँ पे सेटिस्फाई हैं, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, बशर्ते वो कोई नया सेलर ना हो, क्योंकि नए सेलर्स को ये प्लेटफॉर्म कुछ दिन तक प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको इनसे ऐड से पैसे निकलवाने होते हैं या इनको सर्विसेज सेल करनी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे सेलर्स का अकाउंट पुराना होता जाता है, ये प्लेटफॉर्म उस सेलर्स के अकाउंट को डिमोट करने लगते हैं, क्योंकि वो सेलर ना तो ज़्यादा एड्स में पैसे बर्न करता है और ना ही इन मार्केट प्लेसेस को एक्स्ट्रा पैसा देना चाहता है दुनिया भर की सर्विसेज जो ये दिन भर सेल करते रहते हैं उसके माध्यम से। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इन मार्केट प्लेसेस की एक्स्ट्रा कमाई कम हो जाती है, तो ये उनको प्रमोट करना बंद कर देते हैं, और जो छोटे सेलर्स या जो नए सेलर हैं जिनसे इनको चांस है कि वो खूब पैसे ऐड में बर्न करेंगे, उनको बिजनेस ग्रो करना है, उनको प्रमोट करने लगते हैं, क्योंकि वहां से इनको काफी सारे पैसे एड्स चलाने के लिए मिल जाते हैं और इन कंपनीज को यही चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जितने FBA FBF सेलर्स हैं Amazon या Flipkart पे वेयरहाउस के माध्यम से सेल करते हैं, वहां पे अपॉइंटमेंट्स की प्रॉब्लम आ गई है। ये कंपनीज आम सेलर को, इंडिपेंडेंट सेलर्स को अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि इनका खुद का इतना आइटम वहां पे सेल होने के लिए जा रहा है कि इनके पास एक इंडिपेंडेंट सेलर्स को अफोर्ड करने का टाइम नहीं है कि हम उसके आइटम्स को अपने वेयरहाउस तक में रखवा पाए। इसीलिए इन्होंने पिछले 1.5-2 महीनों में बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स की लिमिट जो है, खासकर Amazon ने स्टैंडर्ड साइज आइटम की लिमिट्स 1500 से 50 कर दी, 60 कर दी या 250 कर दी, वो इसलिए कि ये सेलर्स अपना आइटम वेयरहाउस में ना भेज पाएं।
एक्सपर्ट्स का मानना यह है ऐसा इसलिए किया गया है अमेजोन अपने वेयर हाउस को खाली रख करके अपने जो एफिलिएटेड सेलर्स हैं जिनको ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है उनके प्रोडक्ट्स को उस स्पेस पे ऑक्यूपाई कराना चाहता है जिससे आने वाले फेस्टिव सीजन में ये ज़्यादा सेल कर पाए। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़रें हैं कि ये कंपनीज आखिर अब क्या कर रही हैं, क्योंकि अब ये बात किसी से नहीं छुपी है, चाहे वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हो या अमेजोन फ्लिपकार्ट के लीडर्स हो, उनको भी मालूम है कि उनकी पोल खुल गई है और गवर्नमेंट सब जानती है। लेकिन इसमें एक्शन और रिएक्शन ये तो आपकी जो गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज हैं उन्हीं को लेना है। बसरते रही बात जानने और समझने की, तो अब ये सबको मालूम चल गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो नए सेलर्स आ रहे थे, जो इनको मालूम नहीं था कि आगे उनके साथ क्या हो सकता है और वो लॉस में जाके पैसे एड्स में बर्न कर रहे थे, प्रोडक्ट्स को लॉस में बेच रहे थे कि चलो आज बेच लेते हैं कल प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो सारे सेलर्स भी सावधान हो गए हैं, जिससे आगे चल के उनका जो पैसा है या उनकी जो कंपनी बंद हो जाती है वो इससे बच पाएंगे और वो अल्टरनेटिव चैनल्स ले पाएंगे ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अनटिल गवर्नमेंट इसमें कोई प्रॉपर इंटरफेयर ना करे या नई ई कॉमर्स पॉलिसी तब तक ना आ जाए, तब तक ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस बिल्कुल ही सिक्योर नहीं है। यहाँ पे जो इनकी एल्गोरिथम है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रही है और ये नॉर्मल सेलर्स को बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं दे रहे, क्योंकि यही एक दो महीने हैं इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। ये दोनों ही कंपनीज या ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ये चाहते हैं कि ये सारा प्रॉफिट, सारी सेल्स इन्हीं के जो एफिलिएटेड सेलर हैं या इन्हीं के जो आइटम्स हैं जो घूम फिरा के ये खुद ही बेच रहे हैं इंडिपेंडेंट सेलर्स के नाम पे, वही बेच लें और सारे पैसे, सारे प्रॉफिट इन्हीं के पास में रह जाए। तो इसलिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट अब ये चीज जान चुके हैं कि सेलर्स को भी सब मालूम है, गवर्नमेंट को भी सब मालूम है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट असल में एक्शन क्या लेती है। वैसे अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, और जैसा रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ई कॉमर्स के कह रहे हैं कि एक्शन बड़ा होगा लेकिन थोड़ा सा डिले होके होगा, शायद ये एक दो महीने क्रॉस करके होगा। इसीलिए CCI ने कह दिया कि भाई हम फाइनल जो एक्शन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लेंगे वो हम नवंबर महीने में डिक्लेयर करेंगे। मीन्स नवंबर के पहले वीक तक आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों कंपनी पे क्या एक्शन हुआ। पेनाल्टी तो लगेगी करोड़ों रुपए की, वो तो आम बात है, पेनाल्टी तो अब इनको देनी पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा क्या एक्शन होता है ये सारी चीजें जैसे ही मुझे अपडेट मिलता है मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।